गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मुरादाबाद में प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों की कोर कमेटियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता 400 पार सीटों का संकल्प ले, हमें हर बूथ जीतना है, नेता धरातल पर उतर कर काम करें, पन्ना प्रमुख प्रत्येक वोटर तक चुनाव से पहले 5 बार जरूर पहुंचे। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, हमें देश के लिए कई और बड़े फैसले करने हैं। इसके लिए जरूरी है कि हर कार्यकर्ता मतदाताओं को मोदी सरकार के कार्यों को गिनाकर वोट मांगे। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर की जनसभा के बाद मुरादाबाद पहुंचे। यह रामपुर रोड पर होटल क्लार्क इन में उन्होंने वेस्ट यूपी की 14 सीटों के अलावा ब्रज की मथुरा, अलीगढ़ और पीलीभीत सीटों के कोर कमेटी के पदाधिकारियों को संबोधित किया। मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख तक उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट समझाया। कर रहे हैं 17 लोकसभा सीटों, क्या एजेंडा रहने वाला है, किन मुद्दों पे बात? आज भारतीय राजनीति के चाणक्य और देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने अपने गृह मंत्री के कार्यकाल में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज मुरादाबाद की धरती पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उनका आना हम सब के लिए हमेशा उत्साहवर्धन का काम करता है। एक एक कार्यकर्ता से उनका परिचय है, एक एक कार्यकर्ता को वो जानते हैं। वो जब भी आते हैं तो हम सब लोगों में नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। महाराष्ट्र TV 24 के लिए फरमान हुसैन, मुरादाबाद।